हाय एवरीवन, इस वीडियो के लिए आपको ऑर्गेन्जा फैब्रिक, सीजर, टेप मेजर, टी लाइट कैंडल, थ्रेड, नीडो, कटिंग ब्लेड, पैटर्न मास्टर, पिंस की जरूरत होगी। मेरे पास ये जो ऑर्गेन्जा है ये अबाउट 6 to 8 meters में है। मैं इसको पहले 4 folds में फोल्ड कर रही हूँ और ऊपर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जिससे मैं अपना काम करना शुरू करूंगी और उसको मैं काट दूंगी जो स्पेयर में होगा अनइवन फैब्रिक। मैं इस कपड़े से स्ट्रिप्स काटूंगी, कुछ 1 inch की होंगी और कुछ 1.5 inch की होंगी। इससे मैंने फ्लावर्स बनाने हैं और इसी तरह मैं इसमें 1 inch और 1.5 inch की पिंक बेबी पिंक फैब्रिक में भी काटूंगी। अब ये वाली जो स्ट्रिप है ये 1.5 इंच की और इसी तरह एक और स्ट्रिप्स होंगी जो होगी 1 inch की। और अब इसकी जो टोटल लेंथ है उसको मैं 3 folds में फोल्ड करूंगी और फिर उनको काट लूंगी ताकि एक जो स्ट्रिप है वो रफली बन जाएगी 19 to 20 inch। इन स्ट्रिप्स की जो लेंथ है वो अबाउट है 57 inch, क्योंकि इस कपड़ा ये जो जॉर्जेट कपड़ा है ये काफ़ी चौड़ा है। इस तरह मैंने इस एक स्ट्रिप से 3 छोटी छोटी स्ट्रिप्स निकाल ली हैं 19 to 19.5 inch की। और इसी तरह मैं सारे कपड़े को जो मैंने काटा है ये स्ट्रिप्स काटी हैं बेबी पिंक और ग्रीन, इन सब की मैं 19 to 19.5 inch की लेंथ में स्ट्रिप्स काट लूँगी। जो 1 inch की स्ट्रिप्स हैं उनसे छोटा फ्लावर बनेगा, जो 1.5 है उससे थोड़ा बड़ा बनेगा। जो 1.5 जो है वो लेस सपोज अगर मैंने 300 काटी है तो 1 inch की मैं 900 काट रही हूँ ग्रीन में। कपड़े का अर्थ तो उतना ही रहेगा चाहे मैं 1 inch की स्ट्रिप्स काटूँ चाहे मैं 1.5 inch की काटूँ, तो बस इन सबको काटना है। वंस ये मैंने सारी स्ट्रिप्स काट ली हैं तो रफली मेरे पास जो ग्रीन की 1 inch की हैं वो अबाउट 1600 स्ट्रिप्स हैं और जो पिंक की हैं वो यू कैन से मे बी 500 to 700 होंगी स्ट्रिप्स, और जो 1.5 inch हैं वो अबाउट 600+ हैं ग्रीन में और पिंक में अबाउट 400 होंगी। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन इसका आउटकम बहुत प्यारा है। वो सारी स्ट्रिप्स काटने के बाद अब मैंने इनके एजेस को बर्न करना है, सील करना है। मैं कैंडल लाइट ले रही हूँ, यू कैन यूज़ अ लाइटर इफ़ यू प्रेफर। थोड़ा फायर के बिल्कुल करीब से इसको जल्दी से गुजारना है क्योंकि अब ज़रा सा टाइम लगा लेंगे तो ये बर्न कर जाएगा फैब्रिक और ऑर्गेंजा एकदम से बर्न हो जाता है। तो कहीं कहीं मेरा कपड़ा कहीं ज़्यादा हो गया और कहीं कम हो गया तो फिर मैंने उस स्ट्रिप को यूज़ नहीं किया, या तो वो उसको मैं जिधर से फ्लावर को सीती हूँ उस साइड पर टक इन कर दिया मैंने। जिस दिन इनको मैंने ट्रिम ऑफ लिटरली कर दिया फायर ही से इसको लॉक कर दिया और आफ्टर मे बी 2-3 strips यू गेट हैंग ऑफ दिस। ये आसान है, इससे यू कैन सी डिफरेंस, ये अब इसका फैब्रिक थ्रेड जो है लूज़ नहीं कर रहा ये, और ये सारे इस तरह मैंने लॉक करने हैं। करने के बाद नीडल और थ्रेड को डबल में फोल्ड करके मैंने लॉक कर लिया, नॉट लगा लिए। एक एज को ट्राइंगल में फोल्ड करके और फिर उधर से सिलाई करना शुरू करूँगी और इसको क्विक जिस तरह हम करते हैं इन एंड आउट फैब्रिक से सुई को, इस तरह पूरे स्ट्रिप को मैंने सी है। थ्रेड को सारा पुल करके इसको टाइट रखना है, फैब्रिक को एक दूसरे के साथ लिटरली जुड़ा होगा ये, तो फिर इसका जो पहला एज और दूसरा एज है वो मीट करेगा जब, तो उसके बाद मैं इसको नॉट कर दूंगी और एक लेयर को ऊपर रखूंगी और दूसरी को नीचे रखूंगी जो इसके एजेस हैं। उसके बाद एज पे मैं उसके ऊपर कुछ नॉट्स लगा के इसको सील कर दूंगी। इसी तरह रफली आई थिंक 2 to 3000 ईजिली ही मैं सारे फ्लावर्स बनाऊंगी। ये स्कर्ट की मेजरमेंट से ये मैं काटना बहुत मुश्किल होता है ऑर्गेन्जा पे, तो इसीलिए मैंने आपको ये चार्ट पे बना के दिखा दिया। सो जो इसका फ्रंट होगा वो 20 inch होगा, जो इसकी साइड्स की होंगी साइड पैनल जहाँ पे ये मीट करता है वहाँ पे 26 inch और इसके जो बैकड्रॉप है वो 30 inch है और ऊपर से इसके इनकी फ्रंट की और बैक की विड्थ जो है 40 inches है। फ्रंट का पीस और बैक का पीस दोनों कट एंड फोल्ड है, तो फ्रंट पीस में
आई थिंक अबाउट 5 या 6 ट्राइंगल्स बनेंगे, और जो बैक वाला पीस है उसमें 1, 2, 5 बनेंगे। जो बीच वाला है तीसरा, वो थोड़ा सा मैं लंबा रखूँगी। आप खुद भी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी किसी तरह ये फ्लावर्स का कुछ डिज़ाइन बन सके, और फिर मैंने उसी डिज़ाइन को पूरे स्कर्ट में रिपीट किया। पहले मैंने कोशिश की है कि लिटरली ट्राइंगल्स बना सकूँ। और साथ साथ ये कपड़ा जो है ऊपर और नीचे से बहुत ज़्यादा इसके धागे निकल रहे थे, तो मैंने इनको सिर्फ ऊपर और नीचे को ओवरलॉक कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। अब जो बीच का हिस्सा रह गया इसको मैं कैसे फिल करूँगी, मैं आपको दिखा रही हूँ। बड़े फ्लावर्स हैं और कुछ छोटे, तो बड़ों को पहले रख के और उसके बाद फिर छोटों को साइड्स पे एडजस्ट करना, ताकि ये सारा गैप भर जाए। मैंने जब भी ये फिलिंग की है तो मैंने सभी एम्प्टी स्पेसेस में इसी तरह इन सबको फिल की है, ताकि अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो वहाँ पे भी 3 लेस सपोज पिंक फ्लावर्स हैं, तो राइट साइड में भी 3 ही पिंक फ्लावर्स उसी जगह पे होंगे। उनको सीने से पहले सबको पिंक कर रही किया हुआ है मैंने। अब ये एक पैनल पे जो दूसरा गैप है उसको भी मैं इसी तरह भरूंगी, और जब ये कंफर्म्ड हो जाए कि ये सब सही है उसके बाद उसी तरह इनको, जिस तरह पहले मैंने इन फ्लावर्स को सी है, अब इसी तरह बीच बिल्कुल बीच से इनको इस फैब्रिक के साथ सीना है। थ्रेड को डबल फोल्ड में नॉट करूंगी, और एक दफ़ा ये लोग ये सिल जाएंगे उसके बाद ही इनकी पिंस रिमूव करूंगी मैं। मटेरियल को थोड़ा सा सॉफ्ट हैंडल करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा ज़ोर से नॉट्स करूंगी कपड़ा फट जाएगा। एट द मोमेंट आई थिंक ये फ्रंट पैनल है जो ऐसा लग रहा है, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस एंड आई थिंक रफली मुझे महीना लग गया इसको बनाते हुए।